हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर सोशल साइंस क्लास। यस्टरडे वी स्टार्टेड रीडिंग चैप्टर नंबर 23, मार्केट अराउंड अस। वी रीड अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट्स, रिटेल मार्केट, होलसेल मार्केट, वीकली मार्केट। टुडे लेट्स कंटिन्यू विद अवर नेक्स्ट टॉपिक, चेंजिंग ऑफ मार्केट्स। मार्केट्स कीप चेंजिंग ऑल द टाइम। मार्केट्स हर समय बदलती रहती हैं। द होलसेल मार्केट इज गिविंग वे टू रिटेल जॉइंट्स लाइक द रिलायंस फ्रेश, बिग बाजार, शॉपर्स स्टॉप, विशाल मेगा मार्ट एट्सेट्रा। होलसेल मार्केट ने बड़े बड़े दिग्गजों को, जो पावरफुल पर्सन होते हैं, उनको मौका दिया है कि वो अपने शॉपिंग मॉल्स खोलें। तो उनके कुछ एग्जांपल हैं रिलायंस फ्रेश, बिग बाजार, शॉपर्स स्टॉप, विशाल मेगा मार्ट। तो उन्होंने चेन ऑफ स्टोर्स खोली हुई है, मतलब अलग अलग शहरों में अलग अलग शॉपिंग मॉल्स खोले हुए हैं। ये जो शॉप्स हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, एक सीरीज से, एक सिक्वेंस से। दे रन चेन स्टोर्स इन डिफरेंट सिटीज़। वो अपने इन शॉपिंग मॉल्स को एक चेन के थ्रू, एक सीरीज के थ्रू अलग अलग शहरों में खोलते हैं। दे हैव जॉइंट पॉपुलरिटी एज दे बाय डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल टू द कस्टमर एट रीजनेबल प्राइस इन ए कम्फर्टेबल एटमोसफियर। दे हैव गेन्ड पॉपुलरिटी। वो उन्होंने पॉपुलरिटी गेन की है क्योंकि वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से या प्रोड्यूसर से खरीदते हैं और कस्टमर को रीजनेबल प्राइस पे कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसी कारण से ये शॉपिंग मॉल्स काफ़ी पॉपुलर हैं। मोस्ट पीपल प्रेफर शॉप्स इन द नेबरहुड फॉर देयर डे टू डे रिक्वायरमेंट। ज़्यादातर लोग अपनी दिन प्रतिदिन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए अपनी आसपास वाली शॉप्स को प्रेफर करते हैं, एज दे कैन विजिट देम एनी टाइम, क्योंकि वो उन शॉप्स पे कभी भी जा सकते हैं। मोर ओवर द कस्टमर एंड शॉपकीपर नो ईच अदर वेल एंड द गुड्स आर आल्सो अवेलेबल ऑन क्रेडिट। इसके अलावा कस्टमर और शॉपकीपर एक दूसरे को जानते होते हैं, इस कारण जो कस्टमर है वो शॉपकीपर को कभी भी पैसे दे सकता है, मिंटू से उधार पे उनको सामान अवेलेबल होता है, अवेलेबल ऑन क्रेडिट, वो उधार पे सामान ले सकते हैं। सो द पेमेंट कैन बी मेड एट अ लेट डेट एज पर द कन्वीनियंस ऑफ द कस्टमर। तो कस्टमर अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी उस सामान की पेमेंट कर सकता है। मार्केट एंड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में मार्केट्स का क्या रोल होता है? एज़ यू नो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स लाइक रिटेल स्टोर्स, मॉल्स, होलसेल शॉप्स और वीकली मार्केट। जैसा कि हम सभी को पता है, मार्केट में बहुत तरह की शॉप्स होती हैं, रिटेल स्टोर्स होते हैं, शॉपिंग मॉल्स होते हैं, होलसेल शॉप्स होती हैं, वीकली मार्केट्स होती हैं। दे आर ओन्ड बाय डिफरेंट पीपल। उनके जो ओनर होते हैं अलग अलग लोग होते हैं। On the other hand, we have the shopkeeper who set up his shop in different areas on specific day of the week. और दूसरी तरफ वो shopkeeper भी होते हैं जो अलग अलग area में week के किसी specific day पे shops खोलते हैं। He stores his goods at home and transports and sells them himself or with the assistance of the member of his family. तो वो अपने सामान को घर पे store करके रखते हैं, फिर वो जिस जगह पे उस सामान को बेचना होता है वहाँ पे उसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। वो या तो उसे खुद सेल करते हैं या अपनी फैमिली के किसी मेंबर की हेल्प से वो इस सामान को बेचते हैं। ऑन द अदर हैंड वी हैव अ चेन स्टोर हुज ओनर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मेंबर्स ऑन डेकोरेटिंग, मेंटेनिंग, स्टॉकिंग एट्सेट्रा। दूसरी तरफ जो शॉपिंग मॉल के ओनर्स होते हैं, जो चेन ऑफ स्टोर चलाते हैं, वो बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं उन शॉप्स को डेकोरेट करने में, मेंटेन करने में, सामान को स्टॉक करने में। बोथ शॉपकीपर स्पेंड एंड अर्न अनइक्वल अमाउंट ऑफ मनी। तो दोनों तरह के जो शॉपकीपर होते हैं वो अलग अलग
अमाउंट पैसा खर्च करते हैं और अलग अलग ही उनकी अर्निंग होती है। सिमिलरली इसी तरह देयर आर डिफरेंसेस इन द बाइंग पावर ऑफ कस्टमर, इसी तरह कस्टमर की खरीदारी करने की क्षमता में भी अंतर होता है, बाइंग पावर में भी अंतर होता है। वन बायर मे बी एबल टू अफोर्ड ओनली चीप गुड्स फ्रॉम अ वीकली मार्केट, वेयर एज अनदर मे बाय ब्रांडेड आइटम्स फ्रॉम द टॉप स्टोर। एक कस्टमर होता है वो सिर्फ सस्ता सामान ही खरीद सकता है वीकली मार्केट से, जबकि जो दूसरा कस्टमर होता है जो रिच बाय मनी होता है, जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है, तो वो ब्रांडेड आइटम्स खरीदता है शॉपिंग मॉल से, टॉप स्टोर से। द सेलिंग एज वेल एज बाइंग डिपेंड्स ऑन मनी, सामान को बेचना और खरीदना दोनों ही मनी पे डिपेंड करते हैं। तो हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेसी में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। एक पुअर शॉपकीपर है जो वीकली मार्केट में सामान बेचता है, वो अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प से सामान बेचता है, सामान वो सस्ते प्राइस पे बेचता है, अपने घर पे ही स्टोर करता है, उसका कोई डेकोरेटिंग का शॉप का रेंट नहीं होता, ना ही इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होते हैं। जबकि एक जो बड़ा शॉपकीपर होता है या जो चेन ऑफ स्टोर्स चलाते हैं, शॉपिंग मॉल्स चलाते हैं, वो डेकोरेशन पे, बिल्डिंग पे, इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत सारा खर्च करते हैं, इस कारण से वो अलग अलग पैसे कमाते। मोर ओवर द गुड्स आर ब्रॉट टू द कस्टमर आफ्टर पासिंग ए चेन ऑफ मार्केट्स। तो इस तरह से हम देखते हैं कस्टमर तक सामान बहुत तरह की मार्केट्स की चेन से पास होकर पहुंचता है। दिस चेन हेल्प्स इन सप्लाइंग गुड्स प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट एरियाज टू रीच द कस्टमर्स एवरीवेयर। तो ये जो मार्केट्स की चेन होती है वो हेल्प करती है अलग अलग एरियाज में कस्टमर तक सामान को पहुंचाने में। द सेल ऑफ गुड्स इंक्रीजेज प्रोडक्शन, तो जितनी ज़्यादा किसी सामान की सेल होगी उतना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा। दैट इन टर्न आल्सो प्रोवाइड्स न्यू अर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर मोर पीपल, तो इससे और लोगों को पैसा कमाने का अवसर मिलेगा। बट एवरीवन डज नॉट गेट इक्वल बेनिफिट ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज़ इन द मार्केट्स, पर हर किसी को इक्वल बेनिफिट नहीं मिलता या इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती इस तरह की मार्केट्स में। There are two types of markets in the economy. इकनॉमी में दो तरह की मार्केट्स होती हैं, कमोडिटी मार्केट्स एंड फैक्टर मार्केट्स। कमोडिटी मार्केट्स वो होती हैं जिनमें सामान मिलता है, जिसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कमोडिटी मार्केट टू टाइप की होती है, वीकली मार्केट्स एंड ब्रांडेड मार्केट्स। और फैक्टर मार्केट्स, फैक्टर मार्केट में लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेनर या एंटरप्राइज या ह्यूमन कैपिटल को इंक्लूड किया जाता है। द एंडेवर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इज़ टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज़ इन देम। तो एंडेवर मीन्स होता है अटेम्प्ट। तो इंडियन गवर्नमेंट का यह अटेम्प्ट रहता है, ये कोशिश रहती है कि इनमें इनइक्वालिटीज़ को कम किया जाए, दूर किया जाए। तो फैक्टर मार्केट में प्रोडक्शन करने के जो फैक्टर्स होते हैं उन्हें इंक्लूड किया जाता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजर या एंटरप्राइजर या ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन कैपिटल। मार्केट आल्सो डिटरमाइन द वेजेस, मार्केट में वेजेस भी डिसाइड होते हैं, वेतन भी निर्धारित किए जाते हैं। ए जॉब वेयर देयर आर मैनी विलिंग वर्कर्स बट ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ पोजिशंस विल रिजल्ट इन लो वेज फॉर दैट जॉब। जिस जॉब के लिए बहुत सारे वर्कर्स विलिंग हैं, जिस जॉब को करने के लिए बहुत सारे वर्कर्स विलिंग हैं, काम करना चाहते हैं, पर जो जॉब हैं, जॉब में जो पोजिशंस हैं वो कम है, मीन टू से डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, तो वहाँ पे वेजेस कम होते हैं। तो उस जॉब के बदले में जो वेतन मिलेगा वो कम मिलेगा। कंपटीशन अमंग वर्कर्स टेंड्स टू द लोअर ऑफ वेजेस, जब वर्कर्स में कंपटीशन हो जाता है तो इससे वर्कर्स के वेजेस हैं वो कम हो जाते हैं। इफ़ एनीवन वर्कर डिमांड से हायर वेज, अगर कोई वर्कर ज़्यादा वेतन की मांग करता है, द एम्प्लॉयर कैन रिमूव हिम एंड सिंपली हायर अनदर एट ए लो वेज।
तो जो एम्प्लॉयर होता है, शॉपकीपर होता है, या जो एम्प्लॉय प्रोवाइड करता है, जो जॉब देता है, वो उस वर्कर को रिमूव करके उसकी जगह दूसरा वर्कर हायर कर सकता है जो लो वेजेस की डिमांड करता हो। तो मार्केट में वेजेस भी डिटरमाइन होते हैं, डिसाइड होते हैं जब वर्कर्स की संख्या ज़्यादा होती है और जॉब कम होती हैं तो वेजेस कम होते हैं, और जब जॉब ज़्यादा होती है वर्कर्स कम होते हैं तो वेजेस अधिक होते हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई का रूल यहाँ भी अप्लाई होता है। अगर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो क्या होगा, वेजेस कम होंगे। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, वी सी दैट मार्केट्स क्रिएट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। हम देखते हैं कि मार्केट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्रिएट करती है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का क्या मतलब होता है, विच मीन्स इनइक्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक असेट्स एंड इनकम्स अमंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स विद इन ए सोसाइटी। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का मतलब है कि सोसाइटी में रहने वाले सभी पर्सन्स को या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को इक्वल इकोनॉमिक हेल्प नहीं मिलती, इक्वल चांसेस और अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। द टर्म इज़ आल्सो रिलेटेड टू इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की टर्म को अपॉर्चुनिटी की इनइक्वालिटी से भी रिलेट किया जाता है। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आर्थिक असमानता का मतलब है कि सभी को पैसा कमाने के समान अवसर नहीं दिए जाते। डू यू नो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड सोशल यूनिटी आर क्लोजली लिंक्ड टू ईच अदर। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और सोशल यूनिटी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज कमिटेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने सोसाइटी के सभी सेक्शंस को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की और इक्वल प्रोटेक्शन करने की कमिटमेंट की है, अदरवाइज इक्वालिटी विल बी मीनिंगलेस फॉर देम। नहीं तो उनके लिए इक्वालिटी मीनिंगलेस होगी अगर सभी के इंटरेस्ट्स की, सभी के हितों की रक्षा ना की गई। आवर गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ द पीपल। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए। द गवर्नमेंट हैज़ फिक्स्ड मिनिमम वेजेस। गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस डिसाइड किए हैं सो दैट वर्कर्स आर एबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स, ताकि जो वर्कर हैं वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकें। बिसाइड्स ओपनिंग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज टू रजिस्टर नेम ऑफ अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट्स हु डिज़ायर एन एम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा गवर्नमेंट ने उन लोगों का नेम भी रजिस्टर करना शुरू कर दिया है जो अनएम्प्लॉयड हैं और जो एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करना चाहते हैं। जिन लोगों के पास काम नहीं है, जो बेरोजगार हैं, उनका नाम रजिस्टर कर लिया जाता है ताकि उन्हें रोजगार प्रोवाइड करवाया जा सके। द गवर्नमेंट इंश्योर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस, वीट, शुगर एंड केरोसिन एट अ रीजनेबल रेट फॉर द पुअर अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। गवर्नमेंट ने पुअर पीपल्स को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत शुगर, राइस, वीट, केरोसिन, ऑयल लो प्राइसेस पे डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत लोगों को मार्केट से कम प्राइस पे नीडफुल थिंग्स प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो राशन कार्ड बनाए जाते हैं जिन्हें बीपीएल कार्ड, बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड्स कहा जाता है। तो उन राशन कार्ड में जिनका नाम ऐड हो जाता है उन फैमिलीज को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत राशन की शॉप्स पे लो प्राइसेस पे राइस, वीट, शुगर और केरोसिन ऑयल प्रोवाइड करवाया जाता है। द गवर्नमेंट आल्सो अनाउंसेस द स्पॉट प्राइस ऑफ द क्रॉप्स टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स एंड सेव देम फ्रॉम द एक्सप्लोटेशन बाय द मनी लेंडर्स, विलेज स्काउट्स, होलसेलर्स एंड रिटेल जेंट्स। तो इसके अलावा फार्मर्स की प्रोटेक्शन के लिए, फार्मर्स के हितों की रक्षा करने के लिए गवर्नमेंट मिनिमम स्पॉट प्राइस, जिसे MSP कहते हैं, वो भी डिक्लेयर करती है हर साल, ताकि
फार्मर्स की प्रोटेक्शन की जा सके, उन्हें एक्सप्लोइटेशन से बचाया जा सके। उनके साथ एक्सप्लोइटेशन कौन करता है? मनी लेंडर, जो उन्हें पैसा उधार देते हैं, जिसे हम आड़ती कहते हैं। विलेज टाउट्स, जो विलेज के सेल्समैन होते हैं, होलसेलर होते हैं, या जो रिटेल स्ट्रॉन्ग पर्सन, पावरफुल पर्सन होते हैं, उनके एक्सप्लोइटेशन से बचाने के लिए गवर्नमेंट फार्मर्स की क्रॉप्स को ख़रीदने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर साल डिक्लेयर करती है। PDS हैज़ मेड मोर ट्रांसपेरेंट बाय डिजिटलाइजेशन ऑफ राशन ऑन राशन कार्ड, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, टोल फ्री हेल्पलाइन एटसेट्रा। PDS ने डिजिटल डाटा बनाना शुरू कर दिया है, जिससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट क्लियर हो गया है कि कोई भी किसी के साथ चीटिंग ना करे। तो इन्होंने किस किस डाटा का डिजिटलाइजेशन किया है, डिजिटल डाटा बनाना शुरू किया है, राशन कार्ड, सप्लाई ऑफ चेन मैनेजमेंट, टोल फ्री हेल्पलाइन, तो ये कुछ सर्विसेज दी जाती हैं ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए, ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो जाए। तो राशन कार्ड, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, टोल फ्री हेल्पलाइन की सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं ताकि कोई भी किसी के साथ चीटिंग ना करे। द गवर्नमेंट आल्सो प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशनल फैसिलिटीज़, टेक्निकल असिस्टेंस, लोन एंड इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ एट सब्सिडाइज रेट्स। गवर्नमेंट फार्मर्स को इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशनल फैसिलिटीज़, टेक्निकल हेल्प, लोन और इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करवाती है लो प्राइसेस पे, कम रेट पे। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स सर्विसेज एज वेल एज सफिशेंट इनकम टू ऑल टू इरेडिकेट इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। तो एक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक कंट्री की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे ताकि सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गुड्स का, सर्विसेज का। इसके अलावा सबको इक्वल इनकम अर्न करने का अवसर मिले ताकि सोसाइटी से इनइक्वालिटीज रिमूव हो जाएं। दिस वाज योर चैप्टर नंबर 23। रीड द सेम चैप्टर फ्रॉम योर बुक। कॉन्टैक्ट मी फॉर एनी क्वेरी। थैंक यू। Thank you, have a nice day.